हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम SST के लेसन 13 जो आप पढ़ चुके हैं, सेफ्टी हैबिट्स, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थ्री क्वेश्चंस करेंगे, ए बी सी। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। थ्री ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। वी शुड नॉट प्ले इन पार्क, ऑन रोड, इन प्ले ग्राउंड। हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए? ऑन रोड। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, वी शुड नॉट प्ले ऑन रोड। वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, शार्प थिंग्स या बॉथ ऑफ दीज। यानी कि फायर के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, शार्प थिंग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। तो दोनों पर तो टिक नहीं करना ना। तो थर्ड ऑप्शन में लिखा है बॉथ ऑफ दीज, यानी कि दोनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, मिडल ऑफ रोड। अब जेब्रा क्रॉसिंग पर तो नहीं चलते ना, मिडल ऑफ रोड में भी नहीं चलते। कहाँ चलते हैं हम? हमेशा फुटपाथ पर। वी शुड फॉलो द बसेस, ट्रैफिक लाइट्स या कार्स। किसको फॉलो करना है रोड पर जाते हैं? ट्रैफिक लाइट्स को। तो इसे टिक करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चंस टिक करने हैं, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, तीनों ऑप्शन लिखने हैं, फिर जो भी राइट होगा उस पर टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग गिवन बिलो। ये वर्ड्स दिए गए हैं तो हमें इसमें से चूज करके फिल करने हैं। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द, अब बताइए क्या आएगा? हीटर, नाइफ, स्टेयर्स, जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग पर। जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये फिल करना है। वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक हीटर। शार्प थिंग क्या है? हीटर है, नाइफ है, तो ये स्टेयर। अब एक तो हमने फिल कर लिया, नाइफ। शार्प थिंग क्या क्या है? जैसे कि नाइफ, इसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव एंड, गैस स्टोव भी गर्म होता है और क्या होता है गर्म? हीटर। वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव एंड हीटर, इनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट रन अप एंड डाउन द, ऊपर नीचे दौड़ना नहीं चाहिए। कहाँ पर? स्टेयर्स पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्टेयर्स। तो ये आपने फिल किए इनमें से, ऑप्शंस में से। अब नेक्स्ट सी क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए हम टी लिखेंगे जो ट्रू होगा, और जो रॉन्ग होगा उसके लिए हम एफ लिखेंगे। वी शुड फ्लाई काइट्स ऑन हाई रूफ्स विदाउट बाउंड्रीज। यानी कि विदाउट बाउंड्रीज की जो रूफ होती है उस पर हमें काइट्स फ्लाई करनी चाहिए? नो। तो क्या है? रॉन्ग। तो इसके लिए क्या आएगा? एफ, फॉल्स। वी शुड नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स। हमें स्ट्रे एनिमल्स को टीज करना चाहिए, तंग करना चाहिए? ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सेंटेंस ठीक है। राइट के लिए क्या लिखेंगे? ट्रू। वी शुड रन इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स। चलती हुई व्हीकल्स के आगे दौड़ना चाहिए? नहीं, रॉन्ग है। तो इसके लिए क्या आएगा? एफ, फॉल्स। वी शुड क्रॉस रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी चाहिए? राइट। तो ये ट्रू है, टी लिखेंगे। वी शुड एक्सेप्ट राइट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अनजान व्यक्तियों के साथ हमें राइट्स ले लेनी चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये है फॉल्स। तो आपको ये थ्री क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पीरियड में करवाएंगे। क्वेश्चन ए बी एंड सी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर कीजिए, और इसके साथ आपको ड्राइंग का वर्क भी दे रहे हैं। पेज नंबर 7 पर एरोप्लेन है, आपने इस तरह से एरोप्लेन ड्रॉ करना है नोटबुक में, और कलर भी करना है।
बुक्स में कलर करेंगे और बुक्स नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। और पेज नंबर 8 पर फ्रॉक, तो इस तरह से आप पहले इसे देखिए और सुंदर सुंदर बनाइए अपनी नोटबुक में, फिर इसे देखकर कलर कीजिए। संडे को आपको ड्राइंग का भी वर्क हम साथ साथ देते हैं, क्योंकि आप फ्री होते हैं, तो इसलिए आप बच्चों को दोनों वर्क करने हैं। ठीक है, ओके, बाय।